सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AK इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 9708441666 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पर विजिट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अरसी। जैसा कि आप जानते हैं, ये AK इन्फो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से हम आपको नॉलेज शेयर करते हैं हमेशा कुछ अर्से के बाद, हर दिन, हर रोज, हर महीने, हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो अपलोड होती रहती है, कहीं ना कहीं की या तो मेरी हो या उसकी हो, किसी न किसी का वीडियो अपलोड होती रहती है जिसके थ्रू आपको हमेशा एक नॉलेजफुल बात मिलती रहती है, नॉलेजेबल चीज़, टेक्निकल चीज़ मिलती रहती है। तो आइए हम आज आपको हम BGA जो रिबॉल करते हैं चिप ICH या GMCH या अब जो आ रहा है HM आ रहा, उसको हम किस तरीके से एक आसानी से, अगर बॉल आपके पास नहीं है तो विदाउट बॉल हम उसको किस तरीके से रिबॉलिंग करेंगे। एक तो बॉल दे करके हम रिबॉलिंग करते हैं, दूसरा हम विदाउट बॉल दे करके उसको किस तरीके से रिबॉलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को देखेंगे कि हम किस तरीके से उसको करने जा रहे हैं और करेंगे। सबसे पहले उसको रिबॉल हम किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके असेंबली से भी निकलता चिप। बहुत सारी चिप हम देखते हैं कि असेंबली से भी गर्म करने चल जाता, तो उसको निकाल भी सकते हैं असेंबली से। तो असेंबली, अगर VGA मशीन आपके पास नहीं है तो असेंबली से ये सारा काम कैसे करेंगे वो आज हमको आपको हम बताने वाले हैं। आइए देखते हैं उसको किस तरीके से बॉल बनाना है हमें। पहला ये हमें देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है, ये इसी बॉल को हम रिमूव करेंगे, जो हम बनाए हुए उसी बॉल को हम अभी रिमूव करेंगे। उसके बाद हम आपको फिर वापस हम बना करके दिखाएंगे। पहला इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको आप इस तरीके से आराम से सारे बॉल को हटा दें इसमें से। ये फुल फील्ड सारा बॉल इसमें हो चुका है, इसमें देख रहे कि इसी सारा का सारा बॉल जो इसमें फुल फील हो चुका है। अब ये असेंबली लेंगे, देख रहे ये असेंबली हम लेंगे, ठीक है। असेंबली से करना क्या है इसमें, कुछ नहीं, बस यहाँ पे टीजर को रखना है कि ये हिले नहीं। पहला ये दोनों कॉर्नर पे रख करके इसको हल्का प्रेस करके रखना है, एकदम हल्का, ठीक है। यहाँ से मारना एक कॉर्नर पे, इधर इसके अंदर में जो साइज बॉल आना था, ये एक स्टेंसिल के अंदर में वो चीज दिया रहता है, ठीक है। पहले आप कहते हैं कि उसकी साइज नहीं बनेगा। अगर इसकी बॉल लेकर के आप इसको मैच करके दिखा भी देंगे आपको, फिलहाल तो हमारे पास बॉल नहीं है, लेकिन ये आपको मैच करेंगे तो आपको जो एक स्टेंसिल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बॉल मिल जाएगा। इसमें कोई हल्की भी चेंजिंग नहीं नज़र आएगी आपको। और इससे बनाने में एक ये बेनिफिट है कि एक तो बॉल एक्यूरेट आता है, लेकिन इसमें भी आपको एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम निकाल करके देखते हैं किस हालत में ये बॉल है इसका। पहले इसमें थिनर दे देंगे फर्स्ट, ठीक है।
अब इसको हम ले लेंगे हाथ पे। जो भी बाहर जो सोल्डिंग वायर रहेगा वो सब सारा का सारा हमारा निकल जाएगा इसमें से। अभी फिलहाल एक भी बल्ब हमारा इसमें मिस नहीं है। अब इसको हल्का इस साइड से बॉल की साइज, सबसे पहले इसमें क्या देखना होता है कि बॉल की साइज बनी या नहीं बनी। एक साइज की बॉल, जैसे कि अगर हमको एक 4 पॉइंट का लगाना है, अगर 3.5 का भी बॉल अगर बन गया है, अगर वो एक साइज का बॉल है तो डेफिनेटली है वो काम करेगा उसमें, ठीक है। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आराम से दम इसमें हीट हल्का हल्का दे सकते कहीं कहीं। इसको आप जितना बनाएंगे एक बार दो बार तीन बार उतनी ही ज़्यादा आपसे ये फ्रेश बनेगा, एकदम एक्यूरेट बनेगा और उतनी ही इसमें ज़्यादा फ्रेश बनेगा। ये आप देख सकते हैं कितना इसमें फ्रेश है, कम्प्लीटली। तो इस तरीके से आप किसी भी डिफ़िकल्ट चीज़ को भी आसानी से आप बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है टेक्निकल टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी किस तरीके से एक डिफ़िकल्ट, जैसे आपके पास है ही नहीं वीजी मशीन तो आप क्या करेंगे फिर वहाँ पे। उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि हर एक के पास वो 2 लाख 2.5 लाख की मशीन नहीं होती है, तो उस कंडीशन में कुछ एक जुगाड़ होना चाहिए। जैसे बोर्ड मेरे को रिप्लेसमेंट करना है, मतलब बोर्ड हमसे नहीं बनेगा, तो आप वहाँ पर एक चांस ले करके देख सकते हैं, ये एक चांस है, ठीक है। असेंबली सेल से निकालना तो है नहीं, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है उससे, लेकिन क्या हमको कि वहाँ पे इस चीज़ को असेंबली से निकालने का एक चांस लेना है कि बोर्ड तो हमको चेंज करना है आखिरी में, शायद असेंबली से निकाल करके बना करके लगाने के बाद अगर ये सक्सेस हो जाता है तो हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा बोर्ड। बोर्ड को हमें चेंज नहीं, जहाँ पे हमको 8,000 खर्चा था वहाँ पे 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा। मुश्किल से इसकी जो कीमत आती है 100 रुपये आती है, 100 रुपये के अंदर में आप कम से कम तो 100 चिप की बॉल रिबॉल कर सकते हैं इसको, 100 से 200 का। अब तो समझ सकते हैं, तो इतना लो बजट में इस चीज़ का रिस्क हम ले सकते हैं आराम से। तो इस चीज़ को रिस्क ले करके आराम से उस चीज़ को कर सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ और सिर्फ AK Info के अंदर में ही सिखाई जाती है। वो आप आइए यहाँ पर एक बार,
डेमो क्लास लीजिए और इस क्लासेस को आप देखिए, यहाँ पे व्यवस्था और टेक्नोलॉजी देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे आकर के एडमिशन लीजिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें।